सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे RSR फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाना है। आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन लेकर मैं बात करूँ तो भाई देखो, दीपावली का टाइम चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी हर वीडियो में कहा है कि किसी एप्लीकेशन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। अब एक नई एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये नई इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि भाई उन्होंने एक अच्छा सबसे अच्छा अपडेट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पहले से ही मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन करके अप्लाई किया था उस मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन नहीं करना है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। उस मोबाइल नंबर से आपको दोस्तों लॉगिन नहीं करना है, एक नया नंबर हो तो बेटर है आपके लिए, वरना आप SMS गेटवे का भी यूज़ कर सकते हो उस एप्लीकेशन में। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 3,500 रुपये का लोन मिलता है, अकाउंट में 2,273 या 74 रुपये आपको मिलेंगे और ये लोन अमाउंट रहेगा पूरे के पूरे 7 दिन का। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। भाई जो कंपनी 7 दिन का लोन प्रोवाइड करती है वो कंपनी आपके रेफरेंस नंबर और आपके कॉन्टैक्ट, आपके गैलरी के सारे एक्सेस ले लेती है, तो इस चीज़ को आपको सेपरेट रखना वो आपका काम है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी और वीडियो को देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ भाई अप्लाई करने का प्रोसेस, भाई इसमें क्या नया अपडेट है और ये लोन कैसे ले सकते हो आप। देखो, अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में अप्लाई कर रखा था और आपका रिजेक्ट हो गया है तो उस नंबर को आपको यूज नहीं करना है, अदरवाइज दूसरे नंबर को यूज़ करना है। डन। अगर आपने यहाँ से कभी अप्लाई नहीं किया है और आपने बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो भाई, ईजिली मिल जाएगा कंपनी की स्टैम्प जो है। देखो हर कोई कंपनी जो है बोनस ढूंढती है, बोनस के तौर पर जो है फंड रिलीज करती है, और फंड कहाँ देती है भाई, मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर लोग कैसे लेते हैं, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गए, हम सब अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं हम फंड। हम उनसे फ़ंड लेते हैं, उसके बदले हम रीपेमेंट करते हैं ये सोच के कि हमें इससे ज़्यादा की अमाउंट मिलने वाली है। जैसे कि हमने 3,500 रुपये का लोन लिया तो इसके नेक्स्ट लोन अगर हम रीपेमेंट करते हैं तो क्या पता 6 की या 5 की हमें लिमिट प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये वन टाइम का ही है, एक बार ही लोन मिलेगा आपको, सेकेंड टाइम आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर रीपेमेंट जैसे करोगे तो। भाई ये मैं आपको बात साफ साफ बता दे रहा हूँ, चाहे कंपनी वाले देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, बस इतना जरूर समझ लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।